गाइज वेलकम टू माई चैनल। आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पॉइंट ऑफ व्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और RRB NTPC 2016 के जो प्रश्न हैं उसके हम भाग करने वाले हैं। आज सेट फोर कर रहे हैं इसके टॉप 20 क्वेश्चन GK एंड GA के। इसी तरह से हम RRB NTPC 2016, RRB ग्रुप डी 2018, RRB RPF, RRB SI, RPA, RRB SI, सारे RRB के जो भी अभी 5 से 6 साल में पेपर कंडक्ट हुए हैं सारे पेपर के सेट हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम कल का प्रश्न देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को दिया था कि कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन इस तरह से था दोस्तों कि शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। तो ऑप्शन थे घोड़ा, हाथी, बिशप और प्यादा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है प्यादा। प्यादा गोटी शतरंज में बिल्कुल गोटी सीधे तो चलती है लेकिन जो मार करती है वो तिरछा करती है। तो प्यादा इसका बिल्कुल राइट आंसर था दोस्तों। अब देखते हैं हम आज के क्वेश्चन क्या हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो इसका आंसर है डेनिस टीटो। डेनिस टीटो था जो 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन तक इन्हें गुजारे थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। तो बेल लेबोरेटरीज का ये ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है, कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो 3:2 होता है, मतलब 3 लंबाई और चौड़ाई 2, इसका जो अनुपात है इतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। तो जो टेनिस में हार्ड कोर्ट होता है उसकी जो सतह होती है वो कंक्रीट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र कितना ऊंचा होता है। बैडमिंटन का जाल केंद्र है जो कितने ऊंचा होता है। तो वो 5 फीट ऊपर, 5 फुट ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माच किस राज्य का लोक नृत्य है। जो माच है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक में से कौन सा मीनार है। तो 4 मीनार है जो प्लेग उन्मूलन की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे बिभूष चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, 4 इसकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित हो किए जाते हैं। तो नासिक में किए जाते हैं। नासिक कहाँ पे दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की राजधानी क्या है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है। मधुबनी कला क्या है, तो मधुबनी कला है जो बिहार में प्रचलित लोक कला है। बिहार की राजधानी पटना है, हमको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो जुन्को तभी सबसे पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मले किस देश की राजधानी है। तो जो मले है वो मालदीव की राजधानी है, आप माँ से माँ याद रख सकते हैं। मले किस देश की राजधानी है, तो मालदीव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेट नाइन क्या है। प्लेनेट नाइन क्या है, तो इसका आंसर है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो सत्यमेव जयते का जो अर्थ है वो है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। कंपाला इसकी राजधानी है युगांडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो विष्णु शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ क्या हैं। तो इसके आंसर हैं पंचतंत्र और दंत कथाएं। नेक्स्ट दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चन और जो आज के सेट 4 के क्वेश्चन थे और ये हो चुके हैं।
20 के अलावा एक प्रश्न मैं आप लोगों को डेली देता हूँ, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में होता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देना है। आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको देना है कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो पहला कन्याकुमारी बारामूला, दूबी है डिब्रूगढ़ से नलिया, सी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और डी है तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली। इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों, और थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।